पहले तो भाई सारे राम राम भाई, मैं थारा भाई बिंटू फौजी भाई। भैया भाई सुबह के टाइम में मेरी वाइफ ने बना दिया मेरे ती देसी घी के आलू के परांठे और एक चूरमा, और हम लेके जाने वाले हैं हरिद्वार में और चूरमा भोले के लिए और गंगा मैया के दर्शन और भोलेनाथ के दर्शन कर के आओगे हरिद्वार में। अपने परांठे होंगे देसी घी के बनकर तैयार। तो इसके बाद में मेरी वाइफ ने बनाया चूरमा मेरे भगवान के लिए, उसने चूरमा बनाया इतने मन ने बनाई उसके लिए चाय। चाय बनाने के बाद मैंने लगाया भगवान का चूरमे का भोग और बाबा बजरंगबली को भी भोग लगाने के बाद उसने पी चुस के से चाय मैंने। उसके बाद में चल पड़े हम सफर के लिए, या चाबी या बुलेट। पहले हम जाएंगे अपनी मंजिल की तरफ जो कि हमारी खुद की फैक्ट्री है शिलाजीत, जो कि जड़ी बूटियां तो अपनी शिलाजीत बने हैं और चमनप्रा सावन बसा वो अपना इस फैक्ट्री में अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्ट तैयार हुआ है या अपनी शिलाजीत रही। और अपनी फैक्ट्री की लोकेशन है मुरथल सोनीपत में, वह अपनी बुलेट खड़ी हो रही है गाड़ी, गाड़ी लेके जाएंगे हम संभाल के। तो ही संभाल के बाद अपने अपनी ओरा गाड़ी खड़ी है और यो अपना भाई बंटी भाई है ये चाल पड़े हाड़ा, अपनी गाड़ी मिल गई ये तैयार हो गया हमारी द्वार के लिए। पहुँच गए हैं हरिद्वार और हरिद्वार में आकर पहले गंगा जी के दर्शन और भोलेनाथ के ओम के दर्शन, फिर आ गई बनसा देवी माता, देखो कितनी ऊंचाई पर है पहाड़ा पर है। और उसके बाद में आ गई चंडी माता का मंदिर, वो बहुत ऊपर भाई दिख नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा दिखेगा ये अब दिखेगा ये वो देवदी का मंदिर बहुत ऊंचाई पर है। और गाड़ी में चलते चलते वीडियो शूट होने लग रही है। यो अपना चंडी माता का मंदिर ना बनसा देवी माता, और उसके बाद में वो साइड में था वो चंडी माता का मंदिर है, दोनों माताएं दर्शन करवा दिए और अंदर जाकर भी करवाऊंगे। अब आ गया अपनी भाई हरकी पैड़ी, और हरकी पैड़ी पर दिख रहा होगा यो घंटा घर, और नीचे अपने देखो गंगा मैया है। इसके बाद में अपना जो भोला नाथ है वो भी दिखाएंगे। तो भाई यो आ गया अपना भोला बाबा और गंगा मैया, और ये कैमरे की वीडियो शूट होने लग रही भाई गाड़ी में चलते चलते ऐसे ही होएगी। और इसके बाद में आप उतर के हम गंगा मैया के दर्शन करेंगे अच्छे से और भोले बाबा के दिखाएंगे। दर्शन के लिए हम उतरे ही गए गाड़ी में से, और ये देखो भाई भोलेनाथ और गंगा मैया, और बहुत तेज़ी से रफ्तार से गंगा मैया का जो कि जल है वो तेज चल रहा है। पहले आए हम भाई होटल पर, और ये लिफ्ट हमारा वेट कर रही है, और अब हमें मिल गई चाबी रूम की, और लिफ्ट में हम ऊपर जाते हैं। और चाबी का नंबर है और रूम का नंबर है 201 202, दो हमें कमरे लिए हैं। और यू अपने भाई बंटी भाई का ये होटल है, जिस भाई ने भी रुकना हो तो थारा भाई बंटू आड़े रुका करे, बहुत शानदार होटल है ये। बागे अपने रूम में, और ये अपने रूम की लोकेशन है, इसमें देखो क्या क्या चीज़ है, बहुत अच्छा रूम है और सुविधा अपने टेलीफोन के भी कुछ मंगाना हो तो। ये भाई हरिद्वार में जाने की तैयारी करी थी तो बाहर राम जी बरसन लाग रहा है, बारिश होने लग रही है बहुत तगड़ी हरिद्वार में। और भाई अब तो यहाँ पर रुकना पड़ेगा एक दिन, और जो कल का कल जाना पड़ेगा हरिद्वार में नहाने के लिए, तो कल का कल अगले ब्लॉग में दिखाएंगे सारे भाई प्यार दिए ब्लॉग ने।